हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिनोकट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। एनआईएस डीलेट को वैलिड कराने के लिए और मान्य कराने के लिए एक नया रास्ता चुना गया और कहीं ना कहीं ये रास्ता बहुत सही रास्ता है, क्योंकि अब एनआईएस के ऊपर, एनसीटी के ऊपर, एमएचआरटी के ऊपर केस किया जाएगा। और केस कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, अब केस होगा ऑल इंडिया कंज्यूमर फोरम में। कहीं ना कहीं विद्यार्थी, ये बहुत बड़ी मुहिम में बहुत अच्छा रास्ता चुना गया है और ये सेफ रास्ता है। और कहीं ना कहीं एनसीटी आप खुद ही जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भाग के जाएगा और अपनी बात को रखे, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को के साथ जो अन्याय किया गया, उनके पैसे को लूट लिया गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जब अभी तक एनसीटी, एमएचआरटी, एनआईएस बच रहा था, वो खुद ही अपना जाके अपनी बात को रखेगा। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है, बहुत बढ़िया रणनीति के साथ विद्यार्थियों ने ये चीज़ें कदम उठाया है। बड़े वकीलों के साथ इन्होंने बात की, क्योंकि देखिए अभी तक जो केस चल रहे थे, विद्यार्थी बहुत सारे पैसे ले लिए गए लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं दिखा। जो भी लिए वो देखिए वो शांत है, कोई केस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपके एक भी पैसे नहीं लगने वाले, बस आपको अपना सर्टिफिकेट, अपने फ़ोटो, ये सारी चीज़ें भेज देनी है और आपके आधार पर कितने करोड़ों का सरकार ने फ्रॉड किया है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली, चलिए इसके बाद आपको लाइव सुनाते हैं कैसी चीज़ें होने वाली हैं, क्या रास्ता है। हमारा फाइल हो जाएगा, जो है नोटिस इशू हो जाएंगे, सभी स्टेट पार्टी बना लिया जाएगा और जो है भर्ती है उस पर स्टे हो जाएगी। इन सबके साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक हम लोग इतने मुकदमे लड़ते आए, हाई कोर्ट बिहार से शुरू हुआ, पटना सबसे पहला जजमेंट वही है, उसके बाद कई स्टेट्स में, एमपी को छोड़ के, यहाँ पे क्या नाम है, राजस्थान में लड़ा गया, आसाम में लड़ा गया, यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, लेकिन वहाँ पे किस हमको कोर्स कराने वाली जो मेन संस्था एनआईओएस कभी हम लोगों के फेवर में बोलने नहीं आई। एनसीटी हमारे फेवर में बोलने आई तो वो अपने लेटर 6 जनवरी के लेटर 2021 को डिफेंड करने आई। कोर्ट में मामला ये भी उठा था कि ये बताइए कि आप पहले कुछ और कह रहे हैं, बाद में कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि बिहार में उन्होंने लेटर देकर कहा कि आप ये कोर्स दो वर्ष के इक्वल नहीं है, फिर बाद में आप कह रहे हैं इक्वल है, तो आप जो ये चेंज हो रहा है इस पर आप सफाई दीजिए। तो उसके सफाई देने का मतलब उनका था कि ये जो आप ये लेटर वहां भेजे थे, ये सिंगल पर्सन का लेटर है, इस पर जो है कोर्स कराएगा, उसकी कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है, कमेटी बनी होगी तभी आपका कोर्स बना हुआ होगा, डिसाइड होगा, एक प्रोग्राम शेड्यूल होता है, बड़ा नेशनल लेवल का प्रोग्राम था, मिनिस्टर पे चार्टी करवा रही थी, तो बड़ी चीज रही होगी, सीरियस बात है, तो वो उससे जुड़ी चीजें कहाँ पे है, इन सबके जवाब एनसीटी के पास नहीं थे उस दिन सुप्रीम कोर्ट में। तो इन सब चीजों के जवाब है किसके पास, इन सब चीजों के जवाब एनआईओएस के पास, क्योंकि एनआईओएस को जब तक कोर्स करवाने का प्रपोजल दिया गया तो उनको सारी चीजें बताई गई, वो सारी चीजें जानने के बाद ही एनआईओएस ने ऐसा विज्ञापन पब्लिक डोमेन में दिया कि कोर्स ड्यू बच्ची है, ये आप पूरे भारत में कहीं भी पढ़ाने के लिए वैलिड है, ऐसे ऑडियो वीडियोज और जो है न्यूज़पेपर के जरिए एडवर्टीजमेंट आया गया। तो हम लोग ये जो है, हमारे एडवोकेट ने ये भी हमको कहा कि देखिए मामला गड़बड़ कहाँ हो रहा है आपका, अभी तो जो अभी तक हुआ उसमें भी और आगे ना हो, इसके लिए कि आप दूसरे के कराए हुए कोर्स को आप डिफेंड कर रहे हैं, मतलब जो कोर्स कराया वो अपने बचाव में नहीं बोल रहा है, तो होना ही चाहिए था कि यहाँ एचआरडी भी हमारे साथ खड़ी हो, एनआईओएस भी हो, एनसीटी भी हो, वो खुद ही जाए डिफेंड करने, भैया हमारा कोर्स है ये बेकार हो रहा है, तो उसको वही डिफेंड करें, हम तो कर लिए, तो हम तो समझ लिए हम पीड़ित हैं, एनआईओएस डीलेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो पीड़ित हैं, अगली पेटिशनर वही है, कोई राज्य सरकार किसी इस मामले में कैसे ये कह सकती है कि जो है इनका ये कोर्स ऐसे वैसे चीजें, उसको तो केंद्र सरकार से जवाब तलब करना चाहिए, अगर कोई कमी रहेगी तो इसमें हम जिम्मेदार हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे एओआर मनदीप पाल ने सलाह दिया कि आप ऐसा कीजिए कि आप एनआईओएस के खिलाफ एक केस कीजिए और वो केस कीजिए आप उनसे जुर्माने या हर्जाने का, आप उनसे कंज्यूमर फोरम में लड़िए, आप कोर्ट मत आइए उनके खिलाफ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप मत आइए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तब आए, वो खुद ही आएंगे, वो तरीका बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एनआईओएस कैसे आएगी, उन्होंने उसका रास्ता हमें सुझाया और उस चीजों में बताया, पहले तो उन्होंने एक बार हमें सलाह दिया था जो है कि आप लोग सभी लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम से होके जाइए, फिर बाद में चीजें ये हुआ कि वहां लंबा समय लग जाएगा, काफी चीजें मुश्किल हो जाएंगी, तो एक काम कीजिए आप सब लोग, आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट कीजिए, हम दिल्ली में ऑल इंडिया लेवल कंज्यूमर फोरम होता है जी, उसके थ्रू जाएंगे। उसमें होता क्या है सर, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति का पर्सनल मामला हो या कोई कंपनी का मामला हो या कोई जो है ग्रुप का मैटर हो जिसमें 10 करोड़ का फ्रॉड हुआ हो, मतलब टोटल आप अमाउंट आप कम से कम 10 करोड़ का फ्रॉड हुआ हो, मतलब कह सकते हैं कि 10 करोड़ रुपए हमने किसी विज्ञापन को देख के दिए हो या किसी भी माध्यम से इन्वेस्ट किया हो जिसका हमें प्रॉफिट या लाभ उस तरीके से नहीं मिल रहा जिस तरीके से हमसे वादा किया गया था, तो हम ऐसी चीजों के खिलाफ ऑल इंडिया लेवल के कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, ये दिल्ली में है। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप जो है आपकी फीस 12,000 रुपए है एनआईएस डीलेट की और परीक्षा शुल्क वगैरह चीजों को लेके, तो आप ऐसा कीजिए लगभग ऐसे जोड़ने में जो है 8,500 लोग निर्वोट होते होंगे, तो इन लोगों के डॉक्यूमेंट कलेक्ट कीजिए और ये ग्रुप में लगभग 10 करोड़ का पहुंच जाएगा जी। तो ये मैटर को लेके हम इन सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके एनआईएस के खिलाफ केस करेंगे कि ऐसा करिए कि आपने हमारा कैरियर खराब कर दिया, आपने हमको जो है 18 महीने का कोर्स 18 महीने में ही करवाया तो आपको यही बता देना चाहिए था शुरू में, या अगर ऐसा नहीं है तो आप कोर्ट में आके बताइए कि 18 महीने का नहीं है, और अगर पूरे भारत में
पढ़ाने के लिए वैलिड, यहाँ तो दूसरे स्कूल में पढ़ाने नहीं मिल रहा है, तो पूरे भारत की बात ही क्या ही करेंगे, वो भी आप कोर्ट में आके बताइए क्या चीजें हैं। तो इन सब चीजों को करने के लिए NIOSH के खिलाफ एक केस करने के लिए हम डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे जी, और उस डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद इसमें किसी भी जो है व्यक्ति का एक रुपया नहीं लगना है। ये केस ट्रांसफर पिटीशन के साथ साथ ही चलेगा, ये उसी का ही हिस्सा है, उसी जो जो टीम है उन्हीं उन्हीं का प्रोग्राम है, और ये जिम्मेदारी उठाई है हमारे यूपी के संगठन के लोगों ने हमारे साथ तरीके से कि हम लोग सिर्फ सिलेक्टेड को लेके जा रहे हैं या सिर्फ हम लोग नॉन सिलेक्टेड को लेके जा रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। मैं सभी से सभी स्टेट से जो सुन रहे हैं हम फोन से भी रिक्वेस्ट है, और जो साथी जो है हमारे साथ आ रहे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े रहिए, आप बात समझिए। पॉइंट वाली बात ट्रांसफर पिटीशन पे हमने भी एक बार बताया, कोच ने भी बताया, मनदीप जी के साथ हमने यूपी राजस्थान बिहार बंगाल असम छत्तीसगढ़ सब लोगों की मीटिंग करवा दी कि आप लोग जो जो क्वेश्चन है आपको आप हमसे मत पूछिए, हमारे वार सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आपके सामने हैं, हम आपको अपने साथ लाने के लिए कह रहे हैं, तो हमारे पास क्या पॉइंट है, क्या फर्क है, ऐसे आप मत आइए हमारे साथ, आप उनसे बात कीजिए उसके बाद आइए। और बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि जो है प्राइवेसी के नाम पे कि जो है हम पब्लिक में आ जाएंगे कि लोग जान जाएंगे क्या होगा, भैया लोग जानेंगे तभी साथ आएंगे, या लोग जानेंगे तभी चीजें बेहतर होंगी, ऐसा नहीं कि 4 महीने का समय लगा दिया पिटीशन फाइल करने में और 2 मिनट में डिसमिस हो जाए, ऐसे नहीं होता जी। या फिर जो है काफी चीजें लंबे लंबे वादे किए जाए और फिर जमीन धरातल पे कुछ दिखाई ना दे, तो उन सब चीजों से बेहतर है कि हम लोगों ने ट्रांसफर पिटीशन का जो प्रोग्राम बनाया उसमें यही है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 141 में आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि कई स्टेट में अगर मुकदमे किसी एक व्यक्ति पे है या किसी एक मैटर को लेके है तो वो क्लब करके उसको सुनता है, ये उसकी पावर है, और ये उसका इस्तेमाल बहुत सारे मामलों में कर चुका है, हमारे मामले में भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया तो किया है, जो है बात की, हमने ग्रुप में चर्चा किया कितने सारे लोगों के डॉक्यूमेंट कलेक्ट कैसे होने हैं, साथ में त्रिपुर वर्मा जी थे वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, साथ में जो है मंडल उपाध्यक्ष हैं, तो इन लोगों से हमारी बात हुई कि हमें ये चीजें मिला है वहां से, हमको आपको जानकारी दी है, बहुत सारी चीजें आपने बताई है, और हमारी लड़ाई जो है वो अकेले की नहीं है, पूरे भारत देश के लोगों की है। तो जैसा भी आदर्श ने बताया कि सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने थे तो ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी काम अगर हम उसको ठानते हैं कि मुझको ऐसे करना है तो मुश्किल नहीं रहता है, ऐसे में दिमाग में आया कि क्यों ना इसको ऑनलाइन माध्यम से मंगवाया जाए, क्योंकि विचार आया था आदर्श जी से चर्चा हुई थी कि हम इसको बाई डाक मंगवाते हैं तो भी आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और दिक्कत भी हो जाएगी आदर्श की, तो ऑनलाइन मोड में इसको मंगाना हुआ गूगल डॉक के माध्यम से, तो उसमें कैसे क्या करना होता है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा जी, और उसके बाद में उसकी लिंक आपके माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा लोगों को। तो जैसा सब जानते हैं कि एक लिंक आपके पास आएगी और लिंक पे सबसे पहले आपने क्लिक करना होता है, उसमें सीधा सीधा लिखा गया है NIOSH DLX सुप्रीम कोर्ट जी, तो जैसे ही आप उसका रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शन सबसे पहले ही रहेगा, आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ आगे फॉर्म टाइप में खुल के आ जाएगा, जैसे फॉर्म आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें सबसे पहले आपने रिक्वायर्ड होता है नेम का, और सारी चीजें आपको इंग्लिश में भरनी होती है, उसके बाद में फादर्स नेम है, फिर मदर्स नेम है, और आपके मोबाइल नंबर है, फिर डेट ऑफ बर्थ है आपकी, और एक एनरोलमेंट नंबर है, और ये एनरोलमेंट नंबर सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जो NIOSH से डीलर है। ऐसा एक बार पिछली बार भी हम लोगों ने गूगल डॉक के माध्यम से कॉन्टेक्ट चीजें जुटाई थी तो उसमें कुछ लोग बाहर ही आ गए थे तो बहुत फिल्टर करने में काफी दिक्कतें हुई थी हम लोगों को, तो इस बार इसमें एक रिक्वायर ये भी है कि एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, तो एनरोलमेंट नंबर वही दे सकते हैं जो NIOSH डीलर में रहेंगे, उनका एक अपना नंबर होगा जी, और उसके बाद में किस स्टेट से हैं आप स्टेट लिखेंगे, और फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट को लिखेंगे, उसके बाद में आप तहसील अपनी लिखेंगे, और यदि आप शहर के क्षेत्र से हैं तो शहर के बारे में जानकारी लिखेंगे, या अगर विलेज से हैं तो आप विलेज लिखेंगे, और आप अपना पिन कोड डालेंगे, और उसके बाद में तीन ने बताया कि भारत देश के किसी भी प्रदेश से आप जुड़े हुए हैं, बस आपको NIOSH डीलर जो आपने हमारी सरकार ने बेहतर तरीके से हमको जो एक टाइम पीरियड हमको दिया गया था कि आपने 18 मंथ में करना है, बस आपकी सिर्फ एक जरूरत होनी चाहिए कि आप NIOSH से डीलर हैं, उसके बाद आप भारत के किसी भी राज्य से हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके चैनल के माध्यम से सब तक लिंक पहुंचाएंगे, हमारे सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक पर NIOSH डीलर यूपी के नाम से है, और एक मैं अभी चैनल के माध्यम से एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, कभी भी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उस पर आप वही डालेंगे, पूरी सहायता आपको वहां से मिलेगी किस प्रकार से हमको फॉर्म भरने हैं, किस प्रकार से क्या करने हैं, तो वो सारी चीजें सर आपके माध्यम से मैं क्लियर करा दूंगा जी जी। अभी लास्ट टाइम सर तीन ऑप्शन इसमें और हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये मान्यदेव जी के द्वारा ये कहा गया था कि इसके लिए या तो PDF फाइल अपलोड कराई जाए और या इसकी जो है ऐसी क्वालिटी बनाई जाए जिससे उसको जो है हम जहां चाहे उसको हम प्रिंट कर सकें, तो सर ऐसे में तीन चीजें हमारे लिए जो रिक्वायर की गई है वो सर आधार कार्ड है, जो जैसे होता क्या है कि हम फोन से फोटो क्लिक कर लेते हैं और डायरेक्टली अपलोड कर लेते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि उसकी क्वालिटी कम रहती है या क्वालिटी डिस्टर्ब होती है तो फिर उसको प्रिंट करने में गड़बड़ हो जाता है या उसको सही तरीके से प्रिंट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में इसको मैंने जब ये लिंक क्रिएट किया है तो उसमें अधिकतम 5 MB की साइज डालकर रखी है मैंने कि आप हाई से हाई प्रोफाइल आधार कार्ड की अपनी आप जो है उसमें क्लिक करें, उसको आप चाहे PDF बना लें और चाहे आप फोटो को हाई रिजोल्यूशन में क्लिक करके उसको सीधा अपलोड कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से 13वें पॉइंट पर आपका अगला पॉइंट आपका मिलेगा जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट का होगा, उसमें भी ठीक आप 5 MB में डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपलोड कर सकेंगे, और उसके बाद में सर एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि जैसे बार बार में जो हमारे अपोजिट चल रहे हैं ऐसा साक्षी जैसे आपने पेमेंट करा है उस पोस्ट के लिए, तो उसकी रसीद यदि आप जो है आपके पास है तो उसकी फोटो आप अधिकतम 5 MB में क्लियर करके और उसको आप अपलोड कर सकते हैं। सर लास्ट टाइम में ये चूंकि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं ऐसे जगह से किसी मतलब आपके बिना इजाजत के हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सर लास्ट टाइम में एक ऑप्शन होगा
आपके हस्ताक्षर के सिग्नेचर के, तो वो आपने एक सादे कागज पे ब्लैक पेन से सर उस पे करके, और 5 MB का ये भी है कि आप उसको चाहे आप मतलब वो PDF पे कर दीजिए और चाहे इमेज फाइल करके उसको अपलोड कर दीजिए। और सर इसके करने के बाद में लास्ट टाइम आता है सबमिट, तब बहुत ही केयरफुल होकर के इसको मैं निवेदन करूंगा कि सभी शिक्षक साथी हमारे बहुत ही केयरफुल होकर के भरे, क्योंकि एक बार ही आपके फोन से इसको भरा जाएगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो सर एक बार लोग भर देते हैं फिर ये चेक करने लगते हैं कि मेरा वाला गया कि नहीं गया, तो उसको दोबारा कर देते हैं, तो ये चीजें जो फिल्टर करने में सब बहुत इशू आ जाते हैं। तो ऐसे में मैंने इसको इस तरीके से सिस्टम फिट किया है कि आप एक ईमेल आईडी से एक ही बार उसको भेज सकेंगे, तो बहुत ही केयरफुल होकर के डिटेल्स को भरी जाए। और यदि कोई गलती हो जाती है इंसानों से होती है, यदि ऐसा कोई होता है कि हाँ हमसे त्रुटि हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके आपको कमेंट करके या जो व्हाट्सएप नंबर वहां रहेगा उसमें अगर वो भेजेंगे तो उनके लिए पर्सनली लास्ट टाइम में एक टाइम पीरियड में आ जाएगा, तो उस टाइम पीरियड में उनकी डिटेल्स को जो है एक बार ट्रांसफर में इतना तो कि हम एक दिन में क्या करवा पा रहे हैं जी। और वहीं से मेरा वादा है आप लोगों से कि एक ही हियरिंग के बाद आप लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, कहीं और जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के चक्कर में जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास जाने की, फालतू सारे केस आप भूल जाएंगे, सिर्फ ट्रांसफर पिटीशन में ही डिसाइड हो जाएगा। और ट्रांसफर पिटीशन में तो यही नहीं कि आप बीसीएससी TRE3 कौन ला सकते हैं तो कौन नहीं ला सकते, नहीं, एक स्टेट में NIOS जो इतने मामले सब अनकलब करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा टीसी का केस लंबी था वो भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि केस लंबी था वो भी लेके जा रहे हैं, बिहार के हमारे साथ TRE3 को लेकर आ रहे हैं वो भी लेके जा रहे हैं, सारे केस NIOS जेल से जितने भी केस हैं किसी भी स्टेट के, दूसरे स्टेट के लोग इनका केस पेंडिंग है, जो नहीं पेंडिंग वो भी हमारे साथ है, हम बात करेंगे कोर्ट में, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। और ये बिल्कुल नहीं होगा कि डॉक्यूमेंट का पैसा आपका लिया जाएगा कि हम आपकी बात कहेंगे और आपकी बात ना कही जाए, ऐसा नहीं होगा कि बिहार से बिहार की तरफ से मुकदमा हो और दूसरे स्टेट की बात कोर्ट में ना रखी जाए, मामला 2 मिनट में डिसाइड हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल मान लीजिए कि आप ट्रांसफर पिटीशन ही मामला ऐसा होता है जिसमें कई सारे हाई कोर्ट से केसेस ट्रांसफर होते हैं, तो किसी भी बात है कई राज्यों का मामला वहां पर आ जाएगा, उनके केस नंबर जाएंगे, तो इसका मतलब वहां की सरकार इन्वॉल्व होगी, वहां के बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां के